अगर आप थोड़ा सा नमक ले लेते हैं और उसको एक पोटली में बांधकर अगर आप घर में किसी जगह बांध देते हैं, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके पर आप इस नमक को घर में रख लें और फिर आप इस अमल के मौजजात खुद अपने घर में मुलाहिजा करेंगे। घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर आप मकरूज हैं तो कर्जदा हो जाएंगे और अगर घर में तंगी है तो वो दूर हो जाएगी और अगर आप फकीर हैं तो बादशाह बन जाएंगे। इसके अलावा भी इस अमल के बहुत से करिश्मात हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब आपको इस अमल का तरीका तफसील के साथ बताता हूँ। याद रहे कि यह अमल नमक का अमल है और नमक हर घर में मौजूद होता ही है। इस अमल को आपने पाक हालत में बावजू होकर करना है। आप किसी बर्तन में एक मुट्ठी के करीब या थोड़ा सा कम नमक ले लीजिए और उसे अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और उसके बाद 21 मरतबा सूरह नशरह, जिसे अलम नशरह लका सदरका